सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोनित ब्लॉग। रोनित ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ पुणे का बहुत ही फेमस राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, और ये कात्रज में पड़ता है। तो मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, और आज मैं पूरा ये जू एक्सप्लोर करने वाली हूँ। और मैं आपको पूरा एक चीज़ बताऊंगी, आप लोग कब यहाँ पर आ सकते हैं, किस टाइम ये जूलॉजिकल पार्क बंद रहता है, और कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहता है, प्राइस क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियो नए नए कंटेंट आप तक लाती रहूँ। और यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ सबसे पहले ये कि अगर आप लोग नए हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं जूलॉजिकल पार्क में, तो गाइज आप लोग यहाँ बाहर ही, इसकी जस्ट बाहर ही बहुत सारे कैफे हैं, तो आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ खाकर जरूर आइएगा अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़े एरिया में जूलॉजिकल पार्क बना हुआ है और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लॉस होने वाली है। सो गाइज, अब चलते हैं हम अंदर और पूरा एक्सप्लोर करते हैं। सो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, आपको बाहरी काउंटर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से आप टिकट लेकर अंदर एंट्री पा पाओगे। तो यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो 40 रुपये है, एक आदमी का आपको 40 रुपये का टिकट मिलेगा। और अब हम टिकट लेकर अंदर चलते हैं और पूरा एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री पाओगे, आपको फ्रंट पे ही ये जू देखने को मिल जाएगा, और ये जू यहाँ पे लिखा हुआ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप लोग सेल्फी भी ले सकते हो यहाँ पे। और आप जैसे ही थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे, तो आपको ये बड़ा सा मैप देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे एक गाइडलाइन दी हुई है, सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, कौन से बर्ड कौन से एनिमल किस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मैप का आप फोटो जरूर क्लिक कर लीजिएगा, इसके सारे आप पूरा जू जो है वो एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो हमने इस मैप का फोटो क्लिक कर लिया है, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्नेक देखने को मिल जाते हैं, और ये स्नेक जो है वो जहरीले वाले स्नेक नहीं है, नॉर्मल स्नेक है जो पानी में ऐसे ही नॉर्मल रहते हैं। और ये वही सब स्नेक यहाँ पे रखे थे, और ये सारे स्नेक बहुत ही मतलब यहाँ पे देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे। और इसके साइड साइड में बाउंड्री भी की गई है, जिससे कि स्नेक जो है वो बाहर ना निकल पाए। और ये स्नेक आप देख पा रहे हो, एक और स्नेक निकला, तो काफ़ी स्नेक थे। अगर आप लोग पहले पॉइंट पे आओगे तो यहाँ पर स्नेक आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। और अब मैं आगे पॉइंट पे बढ़ती हूँ, और आगे पॉइंट पे चल के आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमको टॉर्टाइस देखने को मिल जाएगा, और ये आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारे टॉर्टाइस हैं। तो ये रहा सेकंड पॉइंट पर, आपको टॉर्टाइस देखने को मिलेगा। अब चलती हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि वहाँ पर आपको देखने को क्या मिलता है। सो गाइस, रास्ते में ही आपको बहुत बड़ा स्नेक मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग फोटो क्लिक करवा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है पुणे स्नेक पार्क। और जैसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं, यहाँ पे आपको अजगर देखने को मिल जाएगा। और ये अजगर यहाँ पे लेजी सा था, और यहाँ पे पड़ा हुआ था, ऐसे ही लकड़ी गिर रहा था, लटक रहा था। सो गाइस, ये रहा अजगर। इसके नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम चलेंगे, तो यहाँ पे हमको जालीदार अजगर देखने को मिलेगा। ये अजगर भी एकदम साइड में वहाँ जाके पड़ा हुआ था। तो अगर आपका लक अच्छा है, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे एनिमल हुए, बर्ड हुए, आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये डे में जो है वो अपना आराम करते रहते हैं। और जैसे ही हम आगे और बढ़ते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे स्नेक लिजर्ड सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। और ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। सो गाइस, जो ये आप देख रहे हो, इसको ग्रीन इगुआना कहते हैं। और ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका जो है पोस्टर भी लगा हुआ है कि ये कैसा दिखता है। और ये जो है ये धूल नागिन है, और ये विषधारी है, तो मैं आपको वो भी दिखा दे रही हूँ। और ये आप लोग देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ, ये कॉर्नर में यहाँ पर बैठी हुई है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ पे एनिमल हैं, बर्ड हैं, उसके नाम यहाँ पे पूरे लिखे हुए रहते हैं, कितना साइज़ है, कैसा है, ज़मीन पे चलने वाला है या फिर उड़ने वाला है, या फिर कहाँ पानी में रहने वाला है, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्स वाई जेड पूरा बताया रहता है। तो आप लोग यहाँ पर पूरी चीज़ें आप पढ़ कर आप लोग देख भी सकते हो। और यहाँ पर गाइज, यहाँ भी स्नेक है, तो यहाँ पे स्नेक की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है, आपको स्नेक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये चापड़ा करके था जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये चापड़ा है, और नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ था, आप लोगों ने देखा है।
तो गाइस सबके नाम यहाँ पे मेंशन हुए रहते हैं जिससे कि आपको तुरंत पता चल जाए कि ये कौन से एनिमल कौन से बर्ड हैं और ये सारे यहाँ पे मेंशन हुए रहते हैं। और अब मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आप क्रोकोडाइल देख पा रहे होगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये नकली क्रोकोडाइल यहाँ पे रखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है, ये रियल वाले क्रोकोडाइल हैं। मैं आपको यहाँ आने का टाइम बता दूँ, अगर आप डे में आओगे यहाँ पर तो आपको सारे एनिमल ऐसे सोते हुए ही मिलेंगे लेजीसा। तो गाइस अगर आपको आना है यहाँ विजिट करना है तो आप या तो मॉर्निंग टाइम में आइए या तो इवनिंग टाइम में आइए, ये आपको टहलते घूमते मिल जाएंगे, वरना अगर आप डे में आओगे तो ऐसे ही ये लेटे हुए रहेंगे। और यहाँ पे आप चिंपैंजी भी देख पा रहे होगे और आप सेल्फी भी ले सकते हो यहाँ पे। और देन मैं फिर आपको स्नेक दिखा रही हूँ, और ये स्नेक है नाग, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है कि ये कौन सा एनिमल है। तो आप लोग देख पा रहे होगे ये यहाँ पे जो स्नेक है वो नाग स्नेक है। और अब मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे भालू, और ये वियर है यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे भालू भी है। आपका जैसा लक रहेगा वैसे ही आप देख पाओगे, अगर आपका लक अच्छा है तो आपको जस्ट पास में ही ये सारे देखने को मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको ये लेटे हुए या फिर कहीं दूर आपको दिख जाएंगे जिससे कि आप कैप्चर नहीं कर पाओगे सही से। तो मेरा तो बैड लक रहा क्योंकि मैंने बहुत ही कम जो एनिमल्स थे बर्ड थे वो मैं देख पाई यहाँ पर। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे देखा वो था वहाँ पे टाइगर को मैंने एकदम पास से देखा। तो गाइज आप भी यहाँ पर आ सकते हो, बहुत ही अच्छा यहाँ पे जू है और सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप लोग देख पाओगे। और मैं यहाँ आने का टाइम बता दूँ, जो ये टाइम है यहाँ पर आने का वो है 9:30 से शाम तक का, 5:30 बजे तक ये ओपन रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। और गाइस मैं अब आ गई हूँ टाइगर के पास, और आप लोग देख पा रहे होगे कि ये आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ, आप लोग देख पा रहे होगे ये टाइगर यहाँ पे आ रहा है, और एकदम पास से मैंने इसको देखा था। और इसके साइड में बहुत बड़ी बाउंड्री की गई है, और उसके बाद यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ये टाइगर देखने को मिल जाएगा, जिससे कि ये इतनी सारी बाउंड्री इतने सारे पानी यहाँ पे इसलिए रखे गए हैं कि ये बाउंड्री पार ना कर सके। और ये आप लोग देख पा रहे होगे एकदम पास से टाइगर आता हुआ। सो गाइज आपने देखा एकदम पास से ये टाइगर, और मैंने भी सबसे अच्छा जो मेरा मूवमेंट था ये टाइगर वाला ही मूवमेंट था, मैंने बहुत ही नज़दीक से टाइगर को देखा है। तो आप भी अपने बच्चे को यहाँ पर लाकर विजिट करवा सकते हैं, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बट हाँ आप लोग मॉर्निंग या इवनिंग में ज़रूर आइएगा, डे में बिल्कुल ही मत आइएगा क्योंकि आपको कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मेरा लक अच्छा था इसलिए मैं टाइगर को बहुत ही पास से देख पाई क्योंकि ये चल रहा था, अदरवाइज़ यहाँ पे सारे अगर डे में आओगे तो ये सब लेटे हुए ही मिलेंगे आपको। और अब मैं आपको चलती हूँ दिखाने वाइट टाइगर, और वाइट टाइगर भी मैं आपको दिखाऊँगी। सो गाइज मैं अब यहाँ पे वाइट टाइगर के पास आ गई हूँ, और चल के मैं अब आपको पूरा दिखाती हूँ। और आप लोग देख पा रहे हो कि सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कितनी हाइट रहेगी, कितनी इसकी इंच है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये आप लोग देख पा रहे हो कि वाइट टाइगर ऐसे घूम रहा है, ये इधर नहीं आया, ये थोड़ा दूर पर ही था, तो मैं जितना हो सका मैंने कैप्चर किया। और आप लोग देख पा रहे हो कि ये वाइट टाइगर है। और अब मैं आपको ले कर चलती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर, जहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ वहाँ पे कौन सा एनिमल आपको देखने को मिलेगा। और गाइस मैं एक चीज़ और बता दूँ कि बुधवार को ये जू बंद रहता है, तो आप लोग बुधवार को बिल्कुल भी मत आइएगा। और इसका जो टिकट है आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले सकते हो। और अब मैं इसके अंदर से, यहाँ सुरंग टाइम में बनाया गया हुआ था, तो अब मैं इसके अंदर से चल के बाहर निकलती हूँ। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो जू है ये 3.5 किलोमीटर एरिया के लगभग ये बना हुआ है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे वाशरूम भी मिल जाएंगे क्योंकि लेडीज़ लोगों को हुआ, जेंट्स को हुआ, कुछ प्रॉब्लम होती है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वाशरूम भी अवेलेबल है इसके अंदर, बट हाँ यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, इसलिए आप खाने पीने की चीज़ें बाहर से ही लाइएगा। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये जंगली भैंस है, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वो लोग सो रहे थे। और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा एलिफेंट, हाथी आपको देखने को मिल जाएगा,
और बहुत सारे यहाँ पे एनिमल वर्ल्ड थे जो कि यहाँ पे सो रहे थे, काफ़ी दूर थे तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और अब मैं चल रही हूँ अपने रूम की तरफ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियो नए नए कंटेंट आप तक लाती रहूँ। तो गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।